गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रवासी पक्षी हैं। ये 3 तारीख के बाद दिल्ली चले जाएंगे। इनका मध्य प्रदेश की जनता से सिर्फ वोटों का ही सरोकार रहता है। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर कहा कि यह अब जांच का विषय बन गया है। अगर इन्होंने 2-4 हजार की कर्ज माफी की है तो वह पैसा किसानों के पास न जाकर कहां गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कमलनाथ को खुद को जवान बताने की जरूरत पड़ रही है तो वह साबित करता है कि वे बूढ़े हो चुके हैं। कमलनाथ उद्योगपति हैं, मुंबई में भी इनके ऑफिस हैं। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला कभी गरीब की पीड़ा नहीं समझेगा। जब भी एक्टर की बात आती है, सलमान और जैकलीन की याद दिला देते हैं। कमलनाथ के एक्टरों से संबंध रहे हैं। कमलनाथ ने हमेशा छलांग लगाई, कभी कर्ज माफी से छलांग लगाई तो कभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने से छलांग लगाई। वे हमेशा वादों से मुकरने की छलांग लगाते रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने हमेशा आशा को निराशा में बदला है। राहुल गांधी कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी 15 मिनट में चीन साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा था सीएम बदल देंगे अगर कर्ज माफी नहीं की गई, लेकिन कुछ नहीं किया। कमलनाथ कभी अपनी उपलब्धि नहीं बताते। कमलनाथ जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूँ, यही अपने आप में साबित कर देता है कि वो बुजुर्ग हो गए। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। जहाँ तक छलांग का सवाल है तो वो आदत में है, पहले कर्जा माफी से छलांग लगा गए, फिर वो नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने से छलांग लगा गए। वादों से छलांग लगाना ये कमलनाथ जी बखूबी जानते हैं, इसलिए विषयांतर किया। मैंने अभी तक सीना फुलाते लोगों को देखा था, सीना तानते देखा था, ये कमर का जिक्र कहाँ से आ गया? इस सलमान और जैकलीन की फिर याद दिला दी। सलमान जैकलीन की याद जब भी आई हमें, जब उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कहा। अब ये एक्टरों के साथ इनका संपर्क रहा है, उद्योगपति रहे हैं बड़े, बंबई में भी इनके ऑफिस हैं उद्योग से जुड़े हुए। देखिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, इस पृथ्वी पे दो लोगों को ही जनार्दन कहते हैं। एक ईश्वर से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जनता जनार्दन के सामने घुटने टेके, इनकी तरह गांधी परिवार के घुटने नहीं टेके। ये गरीब की पीड़ा समझते ही नहीं है कमलनाथ जी। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और इसलिए जाके पायना फटी बिमाई, भूखा जाने पीर पराई। इन्होंने संबल योजना बंद की गरीब की, इनने पीर दर्शन योजना बंद करी गरीब की, इनने गरीब को होने वाले जितने भी लाभ थे वो सारे के सारे बंद करके गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया। इसलिए ये उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ आज वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 तारीख तक ही है। 4 तारीख का इनका दिल्ली का रिजर्वेशन है। ये प्रवासी पक्षी हैं, दिल्ली चले जाएंगे 4 तारीख को। इनका मध्य प्रदेश से सिर्फ वोटों तक का ही सरोकार रहता है, ज्यादा नहीं रहता। अरे जो मैन वचन पत्र था उसका हसरा आपने देखा? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल के गए थे 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने में कायदे से 45 मुख्यमंत्री बदलना थे। ऐसा कोई मंत्री नहीं होता जो मुख्यमंत्री नहीं बनता, पर झूठ पे झूठ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।